हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। इस नोटिस का इंतजार छात्रों को लंबे समय से था और अब छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो नोटिस है ये अभी जारी की गई है और नोटिस जारी करते हुए छात्रों को बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दे दी गई है। तो जो भी छात्र इसके लिए प्रतीक्षारत थे, इंतजार कर रहे थे, आचार संहिता रोक बनी हुई थी, नई सरकार रोक बनी हुई थी, सब कुछ सही हो चुका है क्योंकि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, नई सरकार एक बार फिर से आ चुकी है और सरकार आते ही जो प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है और छात्रों का इंतजार यहां पर समाप्त हो चुका है। जी हां, नोटिस जो आई है और हम बात जो कर रहे हैं वो है कार्यालय लोक सेवा आयोग की जो विज्ञप्ति है वो 11 मार्च 2022 की जारी हो चुकी है, जो कि अभी अपडेट कर दी गई है, जहां पर बताया गया है कि विज्ञापन E1 2021 उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 से संबंधित जो व्याख्या था, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी जो जितने भी यहां पर देखे, इन सभी को दिनांक 22/3/2022 यानी मंगलवार को दोनों सत्रों में 9:30 से 12 बजे और 2 बजे से 4:30 बजे तक प्रदेश के 5 जनपद यानी कि प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, गोरखपुर में जो परीक्षा है वो यहां पर आयोजित कराई जाएगी। और बता दिया गया है कि जो भी छात्र इसमें परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके जो प्रवेश पत्र है वो आज से आप डाउनलोड कर पाएंगे upsc.up.nic की आधिकारिक वेबसाइट से। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब।